नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.1 प्रश्न नंबर 1 का 8वां भाग है। हमें सिद्ध करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है, जांच करनी है। तो इसका 8वां भाग है एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 होल क्यूब। आइए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी बच्चों, यह है एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। इनमें कुछ भी हल होने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x है ही नहीं। ये आपस में असमान पद है, ये आपस में प्लस माइनस हो ही नहीं सकते। बच गया राइट साइड, इसे हम हल कर लेते हैं। राइट साइड पर यह है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, यानी कि a माइनस बी होल क्यूब, जिसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए, ए है एक्स इंटू बी, बी है 2 इंटू ए माइनस बी। ये होता है ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। देखो दोबारा बता रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। आइए इसे हल करते हैं एक बार फिर से। जो लेफ्ट साइड है ये तो हल हो ही नहीं सकती, इसे ऐसे ही उतार लेंगे। और आगे देखिए, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। आगे देखेंगे हम ध्यान से बच्चों, अब ध्यान से देखना। ये रकम, यह है 3 गुना एक्स गुना 2, 3 गुना 2 6, 6 गुना एक्स 6x। इसका मतलब इसे हल करके आया है 6x। अब ये 6x इस x से भी गुना होगा और इस 2 से भी गुना होगा। ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। दोबारा देखिए, 3 गुना x गुना 2, 3 दुनी 6 गुना x, 6x हो गया ना। यानी कि ये जो रकम मैंने अंडरलाइन किया है इसकी जगह है 6x, 6x इस ब्रैकेट से गुना हो रहा है, यानी 6x x से भी गुना होगा और 2 से भी गुना होगा। इसको आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो ये 6x जब x से गुना होगा और साथ में इसके माइनस भी है, तो माइनस 6x जब x से गुना होगा तो ये बन जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 6x जब 2 से गुना होगा तो बन जाएगा 12x। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में ये सारी की सारी चीज़ें बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। लेफ्ट साइड पर फिर वही उसी रकम को हमने दोबारा उतार लिया। यह है एक्स क्यूब, इसके साथ कोई निशान नहीं है, यानी यह प्लस का है। जब यह बराबर के उधर जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब। यह माइनस 8 है, जब यह बराबर के उधर जाएगा तो यह बन जाएगा प्लस 8। यह माइनस 6x स्क्वायर है, इसका निशान बदल के प्लस हो जाएगा उधर जाकर। जब यह बराबर के निशान से उधर क्रॉस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस 12 है बच्चों, ये प्लस 12 है एक्स है, जब ये बराबर से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 12 एक्स बराबर। अब ये चारों रकमें हम बराबर के उधर ले गए तो यहाँ बराबर के आगे क्या बच गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यानी जीरो। अब हम इसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, एक्स की पावर 3, एक ये रकम है एक ये रकम है, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो एक्स की पावर 3 में से एक्स की पावर 3 माइनस हो गया, जीरो बन गया। उसके बाद यह है माइनस 4x स्क्वायर, यह है 6x स्क्वायर। कैसे देख रहे हैं कि x की पावर इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, और कहीं भी x की पावर 2 नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये दो रकमें हैं, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 निकाला 2, साथ में साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है 6, 6 के साथ साइन है प्लस। ठीक है बच्चों, तो 6 माइनस 4 हो गया 2 एक्स स्क्वायर, साथ में साइन प्लस का, तो ये बन गया 2x स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखिए, माइनस वाली रकम, x वाली रकम में एक है माइनस एक्स ये, और एक है माइनस 12x ये, और कोई रकम ऐसी नहीं है जहाँ सिर्फ x लिखा हो, एक ये और एक ये, तो ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, माइनस माइनस होता है प्लस। 12x और ये इसके साथ 1, 12x और 1x हो गया 13x, साथ में साइन माइनस का, क्योंकि दोनों रकमें माइनस की हैं। उसके बाद बिना एक्स वाली रकमें ढूंढो, अब ये भी हो चुका है, 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 ये भी हो चुका, बच गया एक प्लस 1 और एक प्लस 8,
वन प्लस आठ हो गया 9 बराबर 0 ही आ गया साथ में। इसका मतलब देखने में तो इस क्वेश्चन में हमें एक्स की पावर 3 लग रहा था और यहाँ भी एक्स की पावर 3 लग रहा था, तो लग रहा था कि ये द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकती क्योंकि द्विघात समीकरण में एक्स की पावर होती है 2, लेकिन हमारे पास तो थी एक्स की पावर 3। लेकिन हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि एक्स क्यूब कट गया, तो ये एक द्विघात समीकरण ही बन गई है। यह है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, एक्स स्क्वेयर एक्स बिना एक्स के रूप का है, अतः यह एक कैसी समीकरण है? द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। आशा करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि किसी भी स्टेप से आपको कुछ ना समझ आया हो तो इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, थोड़ा सा पीछे ले जाकर एक बार फिर से वो दोबारा स्टेप देखिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।